पहुंचे, उनके अलावा मालदीव और नेपाल के नेता भी दिल्ली अब पहुंच चुके हैं। सुबह करीब 11 बजे नवाज शरीफ का विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। स्वागत के बाद नवाज शरीफ को होटल ताज ले जाया गया। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ होटल पहुंच चुके हैं और दिल्ली के ताजमहल होटल में रुके हैं। मानसिंह रोड पर यह होटल है और इनको पूरी सुरक्षा के साथ यहां पर लाया गया है। गाड़ियों की लंबी कतार आप देख सकते हैं किस तरीके से इन गाड़ियों में यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहुंचे हैं और साथ ही साथ उनके साथ पूरा डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है। ताज होटल में मीडिया ने नवाज से बात करने की कोशिश की लेकिन नवाज हाथ हिलाकर आगे बढ़ गए। हालांकि नवाज के बेटे हुसैन नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीदें तो जो ना अच्छी हैं और हम यही सोचकर आए हैं कि इवेंचुअली कुछ ऐसा जो ना हो सके कि जो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए जो है अच्छाई बन सके और उनके लाइफस्टाइल जो ना इम्प्रूव हो सके। नवाज शरीफ से कल दोपहर 12:10 पर मोदी की सीधी बातचीत होगी। दोनों के बीच बातचीत के लिए 35 मिनट का समय रखा गया है। नवाज के बाद मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भी मोदी की शपथ में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। कल 10:05 पर मोदी की उनसे बातचीत होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला भी नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। पहली बार किसी प्रधानमंत्री की शपथ के लिए सार्क देश के नेताओं को बुलाया गया है। नरेश विश्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।